किसको ऐसा ज्ञान नहीं चाहिए? ये ज्ञान आएगा तेरे को काम दोनों जहान तक भैया, इस ज्ञान को अपना बना ले। कबीर जी ने अपनी भाषा में बहुत बहुत प्यारे ढंग से कहा है कि हमें ऐसा गुरु चाहिए। मैं कबीर जी की वाणी के अनुसार आपको जरा समझा देता हूं। संतोषो सतगुरु मोहि भावे, संतोषो सतगुरु मोहि भावे, जो आवागमन मिटावे। संसार में आए, गर्भ में आए और मरे, और फिर आए, गर्भ मिला न मिला और पानी में नाली में बहे, इस चक्कर से छुड़ाए, ऐसा सतगुरु चाहिए। कबीर जी बोलते, आपको ऐसा चाहिए कि नहीं चाहिए? किसको ऐसा गुरु नहीं चाहिए? किसको ऐसा ज्ञान नहीं चाहिए? कौन चाहता है कि पेशाब में बहते रहे? कौन चाहता है नालियों में बहते रहे? कौन चाहता है भूतकाल की चिंतन में पचते रहे, भविष्य की पीड़ा में शोक में डूबे रहे? कौन चाहता है वर्तमान में खिन्नता में पचते रहे? कौन चाहता है? कबीर की मांग मानव मात्र की मांग है। संतोषो सतगुरु मोहे भावे, जो आवागमन मिटावे। डोलत डिगे न बोलत बिसरे। ऐसा नहीं कि जंगल में ले जाए अथवा समाधि करने को कर दे, नहीं, हम जहाँ रहते खाते पीते व्यवहार के अंदर ऐसा ज्ञान हम में भर दे कि डोलते खाते पीते हंसते खेलते। ये बात नानक जी ने अपनी भाषा में कही, सिख धर्म के आदि गुरु। नानक सतगुरु भेटिया दई ऐसी जुगत, हसंदियां खेलंदियां खावंदियां पहनंदियां विच होवे मुगत। हंसते खेलते खाते पहनते मुक्त कर दे भूतकाल भविष्यकाल और वर्तमान के दुखों से, ऐसा सतगुरु। कबीर जी कहते हैं, संतोषो सतगुरु मोहे भावे, जो आवागमन मिटावे। डोलत डिगे न बोलत बिसरे, अस उपदेश सुनावे। बिसरे नहीं, ऐसा ज्ञान भर देवे। ये मन जहां जाए तहां निर्भय समता से ठहरावे। जहां भी जाए, भूत में भविष्य में वर्तमान में, मौत आ जाए तो भय न लगे, ऐसा ज्ञान कोई गुरु दे। और सम रहे कि मृत्यु होगी तो शरीर की होगी, आत्मा की मौत नहीं है। बीमारी आती तो शरीर को आती है, दुख होता है तो मन को होता है। उसको जानने वाला मैं अमर आत्मा हूँ, ऐसा समता का सत्संग और ज्ञान कोई दे दे। ये मन जहाँ जाए वहाँ निर्भय समता से ठहरावे। कर्म करे और रहे अकर्मी, सब कर्म करते हुए भी कर्म करने का पाप बोझ और कंता का अहंकार न आए। मैं लंकापति रावण ले डूबा, मैं फलाना दी फलाना हूँ, मेरी इज्जत मेरा आबरू मेरा धन मेरी डिग्री। लेकिन याद करके पानी की एक बूंद से दी बिगनिंग हुई थी और राख की एक मुट्ठी में दी एंड हो जाएगी। ये मैं जिसकी सत्ता से करता है वो कौन है? यहाँ पहली बार सुन रहे हैं, ये सुनने से हजारों कपिला गौ दान करने का फल होता है और करोड़ों तीर्थ करने का फल हो रहा है जो आप ब्रह्म ज्ञान सुन रहे हैं। समर्थ रामदास कहते हैं कि ब्रह्म ज्ञान का सत्संग कोटि तीर्थ फल से भी अधिक है। और शास्त्र कहते हैं, स्नातम तेन सर्व तीर्थम, उसने सारे तीर्थों में नहा लिया। दातम तेन सर्वदानम, उसने सारे दान पुण्य कर डाले। कृतम तेन सर्वयज्ञम, उसने सारे यज्ञ कर डाले। ये न क्षणम मन ब्रह्म विचारे स्थिरम कृत्वा, क्षण भर के लिए इस समता के ब्रह्म परमात्मा के नित्य स्वरूप के ज्ञान में जिसने स्थिति कर ली उसके सारे तीर्थ हो गए सदा के लिए। सारे पितरों को तार लिया, उसने तर्पण कर दिया। इसलिए बोलते हैं, तीर्थ नाए एक फल, संत मिले फल चार,
सतगुरु मिले अनंत फल कहत कबीर विचार। जिस फल का अंत न हो वो अनंत फल आज सत्संग के द्वारा आप समझ लेना। सतगुरु मिले अनंत फल, न अंत इति अनंत। कबीर जी कहते हैं, ये मन जहां जाए तहां निर्भय समता से ठहरावे, कर्म करे और रहे अकर्मी। कर्म तो करता है शरीर और मन, अहम बीच में आता है कि मैंने किया। हकीकत में मैं जहां से उठता है उस नित्य आत्मा को मैं मानो, अहंकार को मैं मत मानो। धन तिजोरी में पड़ा है, अहंकार कहता है मैं धनवान हूँ। मकान जमीन पे खड़ा है, अहंकार बोलता है मेरा मकान, मेरा दुकान, मेरा खेत। तेरा शरीर भी तेरे कहने में नहीं चलता लाला, तो मकान दुकान और खेत तेरे साथ पहले थे नहीं, बाद में आएंगे नहीं, और अभी भी अपनी जगह पर ही है। ममता छोड़ दो अंदर से, बाहर से कह दो मेरा खेत, मेरा मकान, मेरा घर। अंदर से समझो कि ये सब संसार स्वप्ना है, जिसकी सत्ता से आंखें देखती हैं, जीभ बोलती है, मन सोचता है, वो नित्य आत्मा अपना है। बस यहां आ जाओ। कबीर जी कहते हैं, कर्म करे और रहे अकर्मी, ऐसी युक्ति बतावे। सदा आनंद फंद से न्यारा, भोग में योग सिखावे। खाएं पिएं बच्चों को जन्म दे, संयम से सादगी योग में भोग सिखाए। तज धरती आकाश अधर में प्रेम मंडैया छावे। धरती और स्वर्ग के सुख छोड़कर, धरती और स्वर्ग जिससे दिखता है, धरती और स्वर्ग में बदलाहट होती है, फिर भी जो नहीं बदलता उस आत्म परमात्म सुख में हमें जगा दे साधु, ऐसा सतगुरु मोहे भाए। ज्ञान सरोवर शून्य शिला पर आसन अचल जगावे। कहे कबीर सतगुरु सोई साचा, घट में अलख लखावे। मस्जिद में अल्लाह मिलेगा, मंदिर में भगवान मिलेगा, चर्च में हो जाएगा, नहीं नहीं। दिले तस्वीरें हैं यार, जब की गर्दन झुका ली, मुलाकात कर ली, वो थे न मुझसे दूर न मैं उनसे दूर था। आता न था नजर तो नजर का कसूर था। ऐसी कोई नजर दे दे, ऐसे कोई ज्ञान दे दे सतगुरु, कृपा करे। जो बीत गया वो भूतकाल है। गीता कहती अशोचा नानु शोचस्व प्रज्ञावान प्रभाष से। जो बीत गया उसका शोक क्यों करते। पहले मैं धनी था, अभी निर्धन हूं, ऐसा करके दुख क्यों करते। पहले निर्धन था और बड़ा दुख भोगा, ऐसा करके दुखी क्यों होते। जो बीत गई सो बीत गई, तकदीर का शिकवा कौन करे। जो तीर कमान से निकल गई, उस तीर का पीछा कौन करे, क्यों करे, कब तक करेगा। इसलिए भूतकाल को बीता हुआ मानकर उसमें महत्व बुद्धि है तो हटा दो। बस मेरे को इसने गाली दी, दी तब दी, उस समय उसका मन ऐसा था, अभी तो ऐसा नहीं होगा। और गाली दी तो मरने वाले शरीर को दी, मुझे आत्मा को तो किसी की गाली पहुंच नहीं सकती। ज्ञान के बिना दुखों का अंत नहीं होगा। भूतकाल तो गया, उसको याद ना करो, महत्व ना दो, तो भूतकाल के दुख मिट गए। क्या ख्याल है ना। भविष्य में ये पालूंगा, ये भोग लूंगा, ये भोग लूंगा, तो भूतकाल का पाया भोगा चला गया तो भविष्य का कहाँ टिकने वाला है। इसके लिए शेख चिल्ली के किले बांध बांध कर धम पछाड़ना करो, वर्तमान का ठीक से उपयोग करो। न भूतकाल है न भविष्य काल है, पागलपन से ही भूत और भविष्य की कल्पना होती है। सदा काल एक ही है वर्तमान। पीछे की कल्पना करो तो भूत, और आगे की कल्पना करो तो भविष्य। बोलो क्या ख्याल है। तीन काल हमने कल्पित, दो काल आगे पीछे के किए। वर्तमान काल भी वास्तविक में सत्य काल नहीं है, बर्त रहा है। 12:40 हो गए हैं, ये भूतकाल में चले गए, और 41वां मिनट भविष्य में खड़ा है।
और 10 सेकंड और भूत में चले गए, 15 चले गए, मैं घड़ी देखकर बता रहा हूं, 20 सेकंड भूत में चले गए और बाकी के भविष्य में खड़े हैं। वर्तमान जिसके आगे वर्त रहा है वो मेरा चैतन्य ज्ञान स्वरूप ईश्वर नित्य मेरे साथ है और ये सब पसार होने वाला है। वर्तमान काल पसार हो रहा है, इसमें दुख भी पसार हो रहा है, सुख भी पसार हो रहा है, मान भी पसार हो रहा है, अपमान भी पसार हो रहा है। क्या ख्याल है? मित्रता की मित्र की मित्रता भी खर्च हो रही है, शत्रु की शत्रुता भी पसार हो रही है। टाइम पसार हुआ है। देखत नैन चलो जग जाई, आंखों के देखते देखते दुनिया की सारी परिस्थितियां बदल रही है। देखत नैन चलो जग जाई, का मांगू कछु थिर न रहाई। देखते देखते सब बीत रहा है, क्या मांगू? जो मिला है वो छूट जाएगा तो दूसरा मिलाएगा, वो अछूट नहीं होगा। लेकिन जो कभी मिला नहीं और कभी छूटता नहीं, वो साहेब मेरा रंगरेज है। जो नित्य है वो परमात्मा मेरा है, जो नित्य है वो परमेश्वर मेरा है और मैं उसका हूं। इस बात को कृपा करके पकड़ लो बस। स्नेही आएंगे तो दवा दान तक, कुटुंबी आएंगे तो दालहन तक, पत्नी निभाएगी तो दालहन तक, यार साथी आएंगे तो शमशान तक, बेटा भी हक निभाएगा तो अग्नि दान तक, लेकिन तेरा ये ज्ञान आएगा तेरे को काम दोनों जहान तक। भैया इस ज्ञान को अपना बना ले। एक नित्य वस्तु एक अनित्य है, शरीर अनित्य है, आत्मा नित्य है, दुख अनित्य है उसको जानने वाला नित्य है, सुख अनित्य है उसको जानने वाला नित्य है। आप गलती क्या करते हैं? आप हैं नित्य और डूब जाते हैं अनित्य में। जैसे मूर्ख मक्खी चाशनी की कढ़ाई में डूब जाती है और सियानी मक्खी किनारे आकर काम बना लेती है और चल देती, ऐसे ही मूर्ख लोग संसार के सुख में डूबकर खोखले हो जाते हैं और सुख में डूबते वो दुख में भी डूबते हैं। आप न सुख में डूबिए न दुख में डूबिए, आप तो अपने परमेश्वर में डूबे रहिए। सुख और दुख का उपयोग करिए, उपभोग मत करिए। धरती का पूरा राज्य दे दे किसी आदमी को और ये सत्संग नहीं मिला तो वो अभागा जरूर है। धरती का राज्य हो, अगर भारत का राज्य है तो अमेरिका जाना हो तो वहां की सम्मति के बिना यहाँ का राष्ट्रपति नहीं जा सकता। पूरी धरती का राज्य हो, पत्नी आज्ञाकारी हो, पुत्र आज्ञाकारी हो, शरीर स्वस्थ हो, हर 5 साल में भीख न मांगना पड़ता हो वोट की, तो ये मानुषी सुख की आखिरी है। इससे 100 गुना सुख तो गंधर्वों के पास है। वो ऊपर के लोकों में रहते और यहाँ भी विचरण कर सकते और उनको फीवल नहीं लगता, रूप बदलने का सामर्थ्य। ऐसे गंधर्वों को देखा था मेरे मित्र संत ने, 5 गंधर्वों से मुलाकात भी की थी। वो चट्टान में भी घुस जाए और वहां से फिर प्रकट भी हो जाए और विमान में भी जाए और ऐसे भी उड़ सकते हैं, ऐसा मानुषी प्राइम मिनिस्टर राष्ट्रपति नहीं कर सकता। मानुषी सुख की पराकाष्ठा है पृथ्वी का सारा राज्य, पत्नी और पुत्र आज्ञाकारी, मंत्री वफादार, शरीर तंदुरुस्त, ये मानुषी सुख की आखिरी हो गई। इससे 100 गुना सुख गंधर्वों को है, गंधर्वों से 100 गुना सुख देव गंधर्वों को है, देव गंधर्वों से आजानु देवों को है और आजानु देवों से 100 गुना सुख देवताओं को है और देवताओं से 100 गुना सुख देवों के राजा इंद्र के पास है। ऐसा इंद्र भी हाथा जोड़ी करके गुरु के द्वार पर आत्मज्ञान लेने आता है तो ये आत्मज्ञान कितना ऊंचा होगा। 3 अटू का कॉपी न की, लंगोटी में 3 थिगड़े लगे हों और गरीबी ऐसी हो कि बिना नमक की सब्जी उबाल के खा रहे, लेकिन ये ज्ञान है तो इंद्र के सुख से भी आप ज्यादा सुखी हैं, क्योंकि नित्य वस्तु को आप जानते हैं। और इंद्र अनित्य डांस से सुखी है, आप नित्य आत्मा से सुखी है। श्रीमद् भागवत की कथा चली थी, सुखदेव जी महाराज
एकांत में रहते थे समाधिस्थ उस नित्य तत्व में। परीक्षत को श्राप मिला सातवें दिन तक्षक काटेगा। राजपाट छोड़कर शुक्र ताल में परीक्षत जा बैठे। अन्न जल का त्याग किया तो प्रकृति देखती कि कौन क्या चाहता और क्या तप है। व्यवस्था की कुदरत नहीं, ईश्वर ने नित्य तत्व एक ही है, सर्वत्र व्यापक है। जिसको जिसकी जरूरत होती है उसको वो चीज आ मिलती है। एक होती है इच्छा, दूसरी होती है आवश्यकता। आवश्यकता श्वास लेने की है और इच्छा है कि मुझे सुगंधित श्वास मिले। वो इच्छा पूरी करना प्रकृति का ठेका नहीं है, लेकिन आवश्यकता पूरी कर लेगी। आवश्यकता है पानी की, सहज में ही सबको मिलेगा, लेकिन इच्छा है कि मुझे ये मिले, जूस मिले, फलाना मिले, शराब मिले, उसके लिए मेहनत ज़्यादा करो, रिएक्शन सहो और फिर वो गुलामी करो। दिए को आवश्यकता है ऑक्सीजन की, अपने आप आ जाती है। जहाँ से हवाएं गर्म होकर चल पड़ती तो ठंडी हवाएं उस जगह को भर ही लेती है, तुम्हारे हमारे कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये प्रकृति का संविधान है। नर्मदा किनारे सब कुछ फेंक के बैठ गए थे और आवश्यकता पूरी करने के समय कोई न कोई खिलाने वाला, भगवान की लीला हो ही जाती थी। मैंने बहुत पापड़ वेले, सब कुछ फेंक के बैठ गए। सोचा मैं न कहीं जाऊंगा, यहीं बैठ के अब खाऊंगा। जिसको गरज होगी आएगा सृष्टि करता, खुद लाएगा और उसने न जाने क्या क्या खेल करे। अभी तक हम जिंदे हैं, रीछ और सांपों के बीच हम रहे हैं और हमारी आवश्यकता। हम उनके लिए द्वेष नहीं करते तो वो हमारा क्या बिगाड़ेंगे। इसीलिए डर रखने की कोई जरूरत। निर्भव जपे सकल भव मिटे, संत कृपाते प्राणी छूटे। आप नित्य आत्मा है उसको याद करिए। मरने वाला शरीर को आप मैं मानोगे तो भय पीछा नहीं छोड़ेगा, चिंता पीछा नहीं छोड़ेगी, दुख और विकार पीछा नहीं छोड़ेगा। अनित्यानि शरीराणि, शरीर सब अनित्य है। वैभव नैव शाश्वत, धन वैभव शाश्वत नहीं। नित्य सन्निहितो मृत्यु, रोज मौत के करीब हम जा रहे हैं। कर्तव्यो धर्म संग्रह, और धर्म यह है कि आप नित्य चीज है, नित्य को जानिए, अनित्य का उपयोग करिए। बस गैलीलियो विज्ञानी हो गया। उसने घोषणा की कि सूर्य खड़ा है, पृथ्वी घूमती है। उस समय के पोप ने भी विरोध कर दिया। अरे पागल हुए, सूर्य सुबह इधर, दोपहर उधर, शाम ढलता है, पृथ्वी खड़ी और सूरज घूमता है। उस समय के पोप ने भी घोषणा की, न्यायालय के जज ने मजबूर किया गैलीलियो को कि तुम अपना बयान बदलो, नहीं तो फांसी की सजा हो सकती है, सब लोग तुम्हारे विरुद्ध खड़े हैं। गैलीलियो ने कहा अच्छी बात है, सब लोग बोलते हैं, पोप भी बोलता है कि पृथ्वी खड़ी है और आग सूर्य घूमता है, तो मैं भी कह देता हूँ पृथ्वी खड़ी है और सूर्य घूमता है, लेकिन न्यायालय सुन ले, मेरे कहने से भी जो घूमती है सो घूमती है और जो खड़ा है वो खड़ा रहेगा, जो बदलता है वो बदलेगा और जो नहीं बदलता है वो नहीं बदलेगा, मेरे कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। बोले बापू जी आप मानते हैं भगवान सबके हृदय में और सर्वव्यापक है, मैं क्या मैं नहीं भी मानूं तो भी है, मेरे मान्यता के सर्टिफिकेट की उनको कोई जरूरत है। तो आप जहां पना नित्य है, बचपन अनित्य था चला गया, आप नित्य हैं, दुख अनित्य थे बचपन के चले गए, सुख अनित्य थे चले गए, या आपका अनुभव का आप आदर करिए। चिंता के दिन आए और चले गए, चिंता आई उस समय लगा बड़ा पहाड़, लेकिन अब क्या है, पति मर गया मानो एक चट्टान गिर गई। दो महीने के बाद बेटे बेटी की शादी में नाचती गाती और मिठाई खाती खिलाती, दुख आता है पहाड़ जैसा, लेकिन धीरज रखो। सुख स्वप्ना दुख बुलबुला, दोनों है मेहमान, दोनों बीतन दीजिए नित्य आत्मा को पहचान। इतना सरल है, अगर इसको पकड़ रखा तो मौत भी तुमको डराएगी नहीं। जा मरने ते जग डरे, मेरे मन आनंद, कब मरिए कब मिलिए पाइए पूर्ण परमानंद। जिस मौत से दुनिया डरती है, कबीर जी कहते हैं मैं तो आनंद में हूं,
मरने वाला शरीर मरेगा, लेकिन करोड़ों बार मरे शरीर फिर भी जो नहीं मरा, अब मुझे गुरु के ज्ञान से उस नित्य की स्मृति है, मैं नित्य सखा से मिलूंगा। संत मरे क्या रोइए, वो जाए अपने घर अपने नित्य स्वभाव में विश्रांति पाए। इसलिए कभी भी भारी दुख आ जाए तो समझना कि ये आया है, आया है तो उसे भिड़ो मत, उसको महत्व न दो। कुछ लोग ऐसे सोचते, मेरे में ये बदी है, मेरे में ये पाप है, मेरे में ये, ऐसे करते अपने बदियों को पापों को निकालने के लिए भिड़ते रहते। न बदियां जाती, न पाप जाते, न भिड़ना जाता है, आखिर निराश हो जाते। बदियों को निकालने में मत लगिए और बदियों के अनुसार बहने में मत लगिए। बदियों के तरफ से उपराम हो जाइए, बदियां अनित्य शरीर अनित्य मन में है, मेरे में प्रभु है, मैं प्रभु का हूं। उधर आप एक्सीलेटर मत दीजिए, गाड़ी चले ही नहीं। आप बुराइयों से लड़िए मत और बुराइयों से मिलकर बुरे होइए मत, आप अपने नित्य अच्छाई के तरफ चल पड़िए बस। वो अपने आप एक्सीलेटर न मिलने से गाड़ी की रफ्तार बंद हो जाए। अपने में अच्छाई का अभिमान आ जाए तो सावधान रहना, और बुराई का अभिमान आए तो सावधान आ जाना। ये दोनों अभिमान डुबाने वाले हैं। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, बुराइयाँ और अच्छाइयाँ शरीर और मन के विकार हैं, ये बदलते रहते हैं। मैं बुराइयों से बचूंगा लेकिन भगवान की कृपा से। अपने बल से बचोगे तो भिड़ भिड़ के थक जाओगे, बुराई से बचूंगा भगवान के प्रेम से। भगवान में प्रीति करने का सुंदर उपाय यह है कि जिसको अपना मानते वो प्यारा लगेगा, और वास्तव में भगवान आपके थे, हैं और रहेंगे। बचपन के मित्र आपके कई चले गए, लेकिन जिनसे मित्र देखा जाता था वो मित्र अभी भी मौजूद है। क्या ख्याल है, बचपन के हितेशी कितने आए और चले गए, फिर भी सच्चा हितेशी अभी भी मौजूद है। अच्छा काम करते हो तो दिल की खुशी और ज्ञान बढ़ाता है, और गड़बड़ करते हो तो डांट फटकार लगाता है। बारिश की बौछार से तो छाते लेकर बच सकते हो, लेकिन बुरा काम करते हो तो परम मित्र अंदर से नालत बरसाता है, उससे कोई नहीं बच सकता, न तुम न हम। क्या ख्याल है। सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मिच्छति। मुझे प्राणी मात्र का परम सुहृद जो मुझे जानता है उसे शांति मिल जाती है। न भूतकाल की फिक्र है, न भविष्य की परवाह है, न वर्तमान में उदलदल में गिरता है। भगवान हमारे परम हितैषी हैं।